और अलवर के बाद अगर धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर एक बूथ पर इंतजामी की गई है, तो नजर ये आया है और यहाँ पर मतदान करने आए एक बुजुर्ग की तबियत अचानक बिगड़ गई, लेकिन इस दौरान बुजुर्ग को किसी ने संभाला नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आयोग की तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि हर एक व्यवस्था की गई है और हर एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी, डॉक्टर्स यहाँ पर उनके स्टाफ मौजूद रहेंगे, और लेकिन इस बीच एक जब बुजुर्ग की तबियत बिगड़ गई तो यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो धौलपुर का मामला है जहां पर अचानक एक बूथ पर भरतपुर में है, और ये तस्वीर थोड़ी सी परेशान करने वाली है। भरतपुर डी कुमेर एक विधानसभा क्षेत्र है और वहां पर ये पेंघौर एक मतदान केंद्र है, वहां पर एक बुजुर्ग जो वोट डालने आए हुए हैं वो अचानक से वोट डालने से पहले ही थोड़े अस्वस्थ होते हैं, गिर जाते हैं, और यहाँ पर इनको इस तरह गिरे हुए करीब 10 से 15 मिनट का समय हो गया। लेकिन आप लापरवाही देखिए कि ना तो आरओ अभी तक यहाँ पर आए हैं, ना जो आरओ है या अंदर जो पोलिंग पार्टी है उन्होंने किसी बड़े अधिकारी को ये सूचना दी है कि यहाँ पर एक वोटर की तबीयत इस कदर बिगड़ गई है कि उनको बहुत तुरंत जरूरत है, कम से कम फर्स्ट एड तो उनको मिले जिससे कि उनकी तबीयत सही हो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एड की ना कोई व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और आप देखिए कि किस तरह इन बुजुर्ग को जिनकी तबीयत मतदान बूथ पर खराब हुई है उनको गोद में बिठाकर बाइक पर ये जो लोग हैं वो ले जा रहे हैं चिकित्सा दिलाने के लिए, अस्पताल में ले जाने के लिए। अगर चुनाव आयोग के अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर के इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनको अपनी नींद तोड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो राजस्थान में वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा जहां मतदान बूथ पर कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि अगर किसी वोटर की और बुजुर्ग की इस तरह तबीयत खराब होती है तो किस तरह उसको जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा दी जाए। ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे चुनाव सिस्टम पर, जो राजस्थान में आज वोटिंग का दिन है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं कि किस तरह जो मतदान बूथ है वहाँ पर चिकित्सा की, खासकर ऐसे बुजुर्ग मतदाता जो असहाय हैं, बीमार हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।